हमारा सबसे पुराना कस्टमर है। पिज़्ज़ा फॉर यू, सालों का जान पहचान है। बी रेड फॉर यू, इसका मतलब ये नहीं कि ये आखिरी पास्ता आपका फैमिली एस्ट्रोलॉजर आखिरी आस्था बनेगा। पास्ता फॉर यू एंड फॉर यू, सुबह से लूसी मैडम का नाश्ता नहीं बना, आखिरी आस्था कहां से बनेगा? पास्ता, ये मेरी बेटियों की जिंदगी का सवाल है। तेरे को आखिरी पास्ता और नंदन रास्ता का और फ्रेंचाइजी खोलने का क्या नहीं? इट्स जस्ट लाइक द मैकडॉनल्ड्स। तो आई विल हेल्प यू ना। बस तू मेरी बेटियों के पास जा, आखिरी आस्था बन के शुद्ध हिंदी में चार चिल्लाने बोलकर झूठी भविष्यवाणी करके ये साड़ी रोक दे बस। लेकिन एक मिनट, तो मेरे पास और एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? मामा मिया का रास्ता। मामा मिया, तुम अपना तीनों बेटी का सर्जरी करा के उनका पेट का थैली निकाल दो, वो मम्मा नहीं बनेगा तो मिया कहाँ से मिलेगा? हम जोकिंग। सुन, ये काम तेरे को करना ही पड़ेगा। एंड आई एम नॉट जोकिंग। जानना चाहती थी ना कि मैं तुम तीनों की शादी क्यों नहीं करवाना चाहता था? ये हमारे पारिवारिक ज्योतिष आखिरी आस्था। सच गलत हो सकता है लेकिन इनकी भविष्यवाणी नहीं। बटुक पटेल की सुपुत्री गंगा पटेल का जीवन साथी जिस दिन इस घर के चौखट पर पहला कदम रखेगा, उसी क्षण इनको दिल का दौरा पड़ेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। पहला कदम? You're joking. बटुक पटेल की सुपुत्री जमुना पटेल का जीवन साथी जैसे ही इनको देखेगा, उसी क्षण इनको दिल का दौरा पड़ेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। देखेगा? बटुक पटेल की सुपुत्री सरस्वती पटेल का जीवन साथी जैसे ही इनको पुकारेगा, उसी क्षण इनको दिल का दौरा पड़ेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। पुकारेगा? नो। यस, बटुक पटेल की चौथी। ए, हो गया ना, उधर कोई नहीं। सामरू, सामरू, अभी आस्था में आप भी बनाओ कि इन लड़की लोग के लिए कहां से ऐसे लड़के मिलेंगे जो ये पहला बोल पहला कदम। जाने दो, जाने दो, भूल जाओ। मुद्दा तो मेरे जीने और मरने का ही है ना, तो मैं ही मर जाता हूँ इन लोग की खुशी के लिए, मैं ही मर जाता हूँ। एक मिनट। हाँ पटेल, तीसरा खोल, उसमें चाकू पड़ा है। वाह वाह, आज ये बात सिद्ध हो गई है कि प्यार के रिश्ते के सामने पिता का रिश्ता और बड़ा होता है। सही बोले आस्था जी, वैसे भी इंसान के संस्कार बड़े ही होने चाहिए। छोटा तो भीम भी है। छोटा भीम नहीं देखा? चलो जाने, चलो आस्था, मैं आपको नाश्ता खिलाता हूँ। यम्मी, मदर ऑफ द ब्राउनी कुकीज, वो राम और तुम लखन। पापा पिया, तुम इतना बड़ा आदमी का इतना बड़ा जिम्मेदारी संभाला, वाउई। लेकिन 1000 curses to that informer जिसने ऊर्जा भाई को पकड़वाया। कुत्ता है, कमीना है। अरे बस करना, कितनी गालियां देगा? तुम तो ऐसा गुस्सा हो रहा है जैसे कि तुमको गाली दे रहा है। सही है, मैंने ऊर्जा नागरिक को पकड़वाया था। लेकिन तुम तो उसका वफादार था। वफादारी है? इंसान को गद्दार होना चाहिए, वफादार तो कुत्ता भी होता है। जिंदगी भर मैं झूठ बोलते आया हूँ, बेटियों को बताया हमारे फैमिली में साड़ियाँ टिकती नहीं है, झूठ। वो भविष्यवाणी झूठ। सच तो ये है कि मुझे ऊर्जा नागर की डॉलर पे हमेशा नजर थी, इसलिए मैं उसके तीनों बेटियों की शादी दूसरों से नहीं, मेरे बेटों से करवाना चाहता हूँ। तुम्हारे अपने बेटे कौन? वही जो कल जेल से छुटके आया, माय बॉयज़।